दोस्तों, क्या आपको पता है कि ये कीले कैसे बनती है? आपको शायद पता नहीं होगा, इन छोटे छोटे कीलों को कितनी बड़ी मशीन द्वारा बनाया जाता है। और क्या आप जानते हो कि एलईडी लाइट स्ट्रिप कैसे बनती है? और आपने कभी ये सोचा है कि साइकिल और बाइक में इस्तेमाल होने वाली स्प्रिंग को कैसे बनाया जाता है? दोस्तों, हमारे घर में जो गेट बनाए जाते हैं, वह ज्यादातर प्लाईवुड के ही क्यों बनाए जाते हैं। लेकिन क्या आपने कभी ये सोचा है कि इन प्लाई को किस मशीन के द्वारा बनाया जाता है? और दोस्तों, जो बड़े बड़े टैंकर होते हैं, उनके आगे पीछे के हिस्से को, जो कि कढ़ाई की तरह होते हैं, इन हिस्सों को वर्कर्स के द्वारा कैसे बनाया जाता है? तो दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम आपको पूरी दुनिया की 10 ऐसी अमेजिंग मशीन के बारे में बताएंगे, जिन मशीन को आपने पहले कभी नहीं देखा होगा। तो आइए वीडियो को शुरू करते हैं। नंबर 10 पर है CNC मशीन। दोस्तों, ये मशीन एक ऐसी मशीन होती है जो कि किसी भी तरह के धातु के ऊपर कोई भी डिजाइन बना सकती है, और ये CNC मशीन उस धातु के ऊपर कोई भी पैटर्न ड्रॉ कर सकती है। इस मशीन के आगे की तरफ एक धारदार ब्लेड लगा होता है, जिससे ये मेटल को स्मूथली कट करती हुई चली जाती है। इस मशीन से ज्यादातर बड़ी बड़ी मशीनों के छोटे छोटे पुर्जों को बनाया जाता है, क्योंकि ये मशीन किसी भी मेटल के ऊपर एक परफेक्ट शेप देने में काफी ज्यादा अच्छी होती है, और इस मशीन के द्वारा बनाई हुई पुर्जों में गलतियां होने के चांसेस भी कम रहते हैं, क्योंकि इस मशीन को कंप्यूटर के द्वारा ऑपरेट किया जाता है। बस आपको इसे एक कमांड देनी होती है, उसके बाद का काम ये खुद ब खुद करती रहती है, और इस मशीन के द्वारा किया हुआ काम देखने में काफी ज्यादा सेटिस्फाइंग भी लगता है। नंबर 9 पर है डिलमेट गैल्वेनाइज्ड चेन लिंक फ्रांच मशीन। दोस्तों, आपने सड़कों के किनारे या कहीं ना कहीं पार्क में कुछ इस तरह की डिजाइन वाली जाली को जरूर देखा होगा। लेकिन क्या आपके माइंड में कभी ये सवाल आया है कि इस तरह की जाली को आखिर बनाया कैसे जाता होगा? तो दोस्तों, इस तरह की जाली को बनाने के लिए इस मशीन का यूज किया जाता है, जो कि एक फुल्ली ऑटोमेटिक मशीन होती है। बस इसमें एक रॉ मटेरियल के तौर पर वायर की जरूरत होती है, बाकी का इस वायर को कट करना और बैंड करना दोनों काम यह मशीन खुद ब खुद करती है। और इस मशीन के काम करने की स्पीड इतनी ज्यादा तेज होती है कि यह मशीन एक घंटे में 180 मीटर स्क्वायर तक के जाल को बनाकर तैयार कर देती है। इस मशीन में सभी पार्ट्स का अपना अलग अलग काम होता है, जैसे यहाँ पर इन दोनों ग्रेड्स को दिया होता है, जो कि इन दोनों वायर्स को कट करता है, और आगे की तरफ एक वायर बेंडर भी होता है, जो कि इस वायर को बेंड करने का काम करता है, और फिर इसके बाद ये जाल बनकर पूरी तरह से कंप्लीट हो जाता है। नंबर 8 पर है स्प्रिंग मेकिंग मशीन। दोस्तों, आप सभी लोगों ने मार्केट में छोटे छोटे स्प्रिंग को तो जरूर देखा ही होगा, और इन स्प्रिंग का यूज साइकिल और बाइक दोनों में ही किया जाता है। लेकिन क्या आपने कभी ये सोचा है कि भाई आखिर इस स्प्रिंग को किस मशीन के द्वारा और कैसे बनाया जाता है? तो दोस्तों, एक स्प्रिंग को बनाने के लिए इस मशीन की जरूरत होती है, जिसमें से इनमें एक स्प्रिंग बनाने के लिए पुर्जे एक साथ काम कर रहे होते, जिसमें से ये मशीन का एक पुर्जा वायर को बैंड करने का काम करता है। उसके बाद ये सभी पुर्जे मिलकर एक स्प्रिंग बनाने का काम करते हैं। इस मशीन का काम इतना फास्ट होता है कि आपको पहली बार देखने में कुछ समझ ही नहीं आएगा कि आखिर ये सारे पुर्जे मिलकर इतनी जल्दी एक स्प्रिंग को बना कैसे रहे। लेकिन जब आप इसे गौर से देखेंगे, तब आपको समझ आएगा कि ये सभी पुर्जों का काम अलग अलग है। इस मशीन के पीछे की साइड से सिर्फ एक सीधे से वायर को डाल दिया जाता है, उसके बाद का काम ये मशीन खुद ब खुद करती रहती है। और दोस्तों, इस स्प्रिंग के अलावा इस मशीन से और भी बहुत सारी चीजें बनाई जाती है, जैसा कि आप अभी इस वीडियो में देख ही रहे। अब दोस्तों, ये तो रही छोटे स्प्रिंग बनाने की बात, लेकिन क्या आपने कभी दुनिया के सबसे बड़ी स्प्रिंग बनाने वाली मशीन को देखा है? अगर नहीं देखा है तो चलिए हम आपको दिखा देते हैं। इस मशीन के द्वारा दुनिया के सबसे बड़े से बड़े स्प्रिंग को बनाया जाता है, लेकिन इस बड़े स्प्रिंग को बनाने का तरीका बहुत ही अलग होता है। इसमें एक लोहे की रोड को 1000 डिग्री तक गर्म किया जाता है, उसके बाद इसे मशीनों के द्वारा सिलेंडर के ऊपर कुछ इस तरह से बैंड कर दिया जाता है, जिसके बाद इस स्प्रिंग को बनाने का आगे का प्रोसेस स्टार्ट होता है, और फाइनली जाकर दुनिया का सबसे बड़ा स्प्रिंग बनकर तैयार होता है। नंबर 7 पर है LED स्ट्रिप कटिंग मशीन। दोस्तों, आपने इन चाइनीज LED को तो जरूर देखा ही होगा। आप में से बहुत सारे लोग ये सोचते होंगे कि इन सभी LED को अलग अलग करके बनाया जाता है, लेकिन इन्हें एक साथ ही एक बंडल के साथ बनाया जाता है, जिसके बाद इस स्ट्रिप को कट करने के लिए LED स्ट्रिप कटिंग मशीन का यूज किया जाता है, जिसके अंदर बारीकी से छोटे छोटे ब्लेड लगे होते, जो कि इन्हीं स्ट्रिप को बिल्कुल ही सटीक तरीके से काटती हुई चली जाती है।
नंबर 6 पर है स्टील नेल्स मेकिंग मशीन। दोस्तों, इन सभी कीलों को देखने के बाद हम सभी लोगों को दिमाग में हमेशा एक सवाल जरूर आता है कि आखिर इन कीलों को बनाया कैसे जाता होगा या फिर किस मशीन के द्वारा बनाया जाता होगा। तो दोस्तों, इन कीलों को बनाने के लिए इस मशीन का यूज किया जाता है जिसके साइड में दो कटर लगे होते और सामने की तरफ एक हैमर लगा होता है, जो कि ये हैमर एक कील के ऊपर हेड बनाने का काम करता है। इस मशीन का काम इतना फास्ट होता है कि ये मशीन एक घंटे में 25,800 कीले बनाकर तैयार कर देती है। इस मशीन के अंदर सिर्फ एक मोटे से वायर को डालना होता है, बाकी का इस मशीन का काम ये खुद ब खुद करती रहती है। नंबर 5 पर है चेन बेंडिंग मशीन। इस मशीन को हम CBM-12 के नाम से भी जानते हैं। इस मशीन के द्वारा कुछ इस तरह चेन को बनाकर तैयार किया जाता है। ये मशीन एक ऐसी मशीन है जिसमें आपको एक चेन बनाने के लिए किसी दूसरी मशीन की जरूरत नहीं होती है, सभी काम यह मशीन खुद ब खुद कर लेती है। इस मशीन में एक तरफ से मेटल की छोटी सी रोड को डाला जाता है और फिर उसके बाद आगे ही एक छोटा सा कटर लगा होता है जो कि इस रोड के ऊपर एक कट का निशान लगा देता है। और फिर इसके बाद जैसे ही ये रोड आगे की तरफ चलती जाती है, इससे आगे के पुर्जे चेन मेकिंग का काम शुरू कर देते हैं, जिसमें ऊपर का हिस्सा मेटल को कट करके उसको हल्का सा बैंड करने का काम करता है। उसके बाद पीछे लगे ये दोनों पुर्जे इसे पूरी तरह से चेन के अंदर लॉक कर देते हैं। अभी भी यहाँ पर ये चेन पूरी तरह से कंप्लीट नहीं होती है क्योंकि इन दोनों के बीच एक छोटा सा गैप रह जाता है। और फिर जैसे ही ये चेन आगे की तरफ बढ़ती जाती है, वैसे ही आगे की तरफ दो हैमर लगे होते हैं जो कि इन दोनों गैप को भरने का काम करते हैं। और फिर उसके बाद फाइनली ये चेन बनकर तैयार हो जाती है। नंबर 4 पर है प्लाईवुड प्रोडक्शन। दोस्तों, इन प्लाईवुड्स को हमारे घरों में हर जगह यूज किया जाता है, खिड़कियां बनाने में या फिर गेट्स बनाने में, इन सभी जगहों पर इन प्लाईवुड्स का यूज किया जाता है। लेकिन क्या आपने कभी ये सोचा है कि आखिर इन प्लाईवुड्स को बनाया कैसे जाता है? तो इन प्लाईवुड्स को बनाने के लिए एक बड़ी सी लकड़ी को इस मशीन के अंदर डाल दिया जाता है, जिसके बाद ये मशीन लकड़ी के ऊपर से पतली सी लेयर को छुटाने लगती है, जिसके बाद लकड़ी की इस लेयर का यूज प्लाईवुड्स बनाने में किया जाता है। नंबर 3 पर है फास्टेस्ट हाइड्रोलिक स्टील फॉर्गिंग मशीन। दोस्तों, इन मशीनों के द्वारा दुनिया की बड़ी से बड़ी चीजों को बनाया जाता है, जैसे ट्रेन के पहियों को बनाना या किसी बड़ी सी मशीन के गियर को बनाना। इन सभी चीजों को बनाने के लिए सबसे पहले तपते हुए लोहे को हाइड्रोलिक प्रेस के नीचे रखा जाता है, जिसके बाद इसके ऊपर से हैमर से लगातार वार किया जाता है जब तक कि ये मेटल परफेक्ट शेप में ना आ जाए। और फिर इसके शेप में आने के बाद आगे की प्रोसेस को शुरू कर दिया जाता है। और फिर ये कंप्लीट होते ही इन्हें पानी के अंदर डाल दिया जाता है, जिससे कि ये और भी ज्यादा हार्ड और स्ट्रांग बन सके। नंबर 2 पर है इपेका लॉक मास्टर। दोस्तों, क्या आपने कभी ब्रेड को थैली में पैक करने वाली मशीन को देखा है? अगर नहीं देखा है तो अब देख लीजिए। इस मशीन का नाम है इपेका लॉक मास्टर, जो कि बहुत ही तेजी से इन ब्रेड को पॉलिथीन में पैक कर देती है, जिसमें इस मशीन का एक पार्ट पॉलिथीन को ओपन करने का काम करता है और एक पार्ट इन सभी ब्रेड्स को इन पॉलिथीन के अंदर करने का काम करता है। उसके बाद ये थैली आगे की तरफ बढ़ जाती है और फिर इसके ऊपर टेप लगाकर इसे पैक कर दिया जाता है। इसी तरह से कई हजार पैकेट्स ये मशीन कुछ ही देर में पैक करके तैयार कर देती है। नंबर 1 पर है टैंक मेकिंग मशीन। दोस्तों, एक टैंक को बनाने के लिए इसमें सबसे ज्यादा हार्ड काम होता है इसके आगे की और पीछे के हिस्से को बनाना, क्योंकि एक टैंक में इन हिस्सों को सबसे ज्यादा स्ट्रांग रखा जाता है। और टैंक के इस हिस्सों को बनाने के लिए इस टैंक मेकिंग मशीन का यूज किया जाता है, जिसके ऊपर कुछ कढ़ाई की तरह डिजाइन होता है। और फिर जब इस हिस्से के नीचे लगे धातु के ऊपर प्रेशर लगाया जाता है, तो इसके नीचे की मेटल भी कढ़ाई की आकार में बदल जाती है, जिसके बाद इसे मशीनों के द्वारा बाहर निकाला जाता है और फिर टैंक बनाने की प्रोसेस को शुरू कर दिया जाता है। तो दोस्तों, आपको इन सभी मशीनों में से कौन सी मशीन सबसे ज्यादा मजेदार लगी, हमें नीचे कमेंट करके जरूर बताएगा। और अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो इस वीडियो को लाइक करेगा, शेयर करेगा ज्यादा से ज्यादा लोगों तक। और ऐसी और भी इंटरेस्टिंग वीडियोस को YouTube पर देखने के लिए नीचे कमेंट सेक्शन में लिंक दी गई है, जिसके ऊपर क्लिक करके हमारे चैनल को आप सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं, ताकि हमारे हर लेटेस्ट वीडियो की अपडेट आपको मिलेगी सबसे पहले। धन्यवाद।